कर्नाटक में कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनका वर्चस्व अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी से भी ऊपर है। प्रदेश में किसी भी तरह की राजनीतिक उठापटक और समीकरण का असर इनके चुनाव पर नहीं पड़ता। ये ना सिर्फ जीत दर्ज करते हैं बल्कि कोई प्रतिद्वंदी आसपास भी नहीं फटकने पाता। इन नेताओं को किसी पार्टी की नहीं बल्कि पार्टी को इन नेताओं की जरूरत होती है। इनकी राजनीतिक विरासत, नेतृत्व और व्यक्तित्व किसी भी चुनावी खेल में बढ़त दिलाता है। कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा में इन्हें वारचाज कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कर्नाटक के ऐसे ही 11 दिग्गज नेताओं के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है उमेश विश्वनाथ कट्टी का। ये साल 1985 से विधायक हैं। फिलहाल हुक्केरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर में इन्होंने 8 चुनाव लड़े हैं जिनमें से 7 में जीत दर्ज की है। कट्टी पार्टी लाइन से हटकर भी क्षेत्रीय मुद्दों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। 1985 में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 1989 और 1994 में जनता दल सेकुलर से और 2013 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उन्हें सिर्फ 2004 में हार का सामना करना पड़ा जब वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्हें बीजेपी की शशिकांत नायिका ने 820 वोटों से हराया था। दूसरा नाम है यूटी खादेर का। यूटी खादेर के पिता यूटी फरीद मंगलुरु सीट से 4 बार विधायक रहे 1972, 78, 99 और 2004 में। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2007 से जूनियर खादेर भी विधायक हैं। उन्होंने 2007 उपचुनाव, 2008 विधानसभा चुनाव और 2013 के चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की। इस वक्त कर्नाटक सरकार में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में इनकी मजबूत पकड़ है। तनवीर सैयद नरसिम्हा राजा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस सीट पर भी पिता पुत्र की विरासत चल रही है। नरसिम्हा राजा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत सैयद का 3 दशकों तक दबदबा रहा। अब उन्हीं के बेटे तनवीर सैयद यहां से विधायक हैं। हालांकि जेडीएस और एसडीपीआई जैसी विपक्षी पार्टियों ने तनवीर सैयद को हराने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। इलाके में सैयद परिवार समाज सुधारक माने जाते हैं। लिस्ट में चौथा नाम दिनेश गुंडू राव का है। दिनेश गुंडू राव के पिता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री आर गुंडू राव हैं। उन्हें हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दिनेश गुंडू राव 5वीं बार कर्नाटक की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। यहां वो 1999 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पुराने कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस का बेस वोटर उन्हें खूब समर्थन देता है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व अंतरिम मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर 6वीं बार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वो मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय हुए। उन्हें 2005 में कर्नाटक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2008-09 में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर नियुक्त हुए। उन्होंने लिंगायतों का खूब समर्थन प्राप्त है। भ्रष्टाचार मुक्त छवि भी उनके चुनाव जीतने में सहायक रही है। बी रामंथा राय साल 1985 से बांटवाल सीट से कांग्रेस पार्टी का चेहरा हैं। राय ने 7 चुनाव लड़े हैं जिनमें से सिर्फ एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2004 में बीजेपी के नागराज शेट्टी ने उन्हें हराया था। 2013 चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। क्षेत्रीय लोगों में उनकी मजबूत पकड़ है। सेकुलर और साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य भी किया है। विपक्ष भी उनका सम्मान करता है और इस वक्त कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा। बीएस येदियुरप्पा 8वीं बार विधायक बनने के लिए तैयार हैं। वो अपने गृह नगर शिकारीपुरा से चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्हें सिर्फ 1983 में एक बार हार का मुंह देखना पड़ा। राज्य में पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। 2013 में बीजेपी ने येदियुरप्पा के बिना चुनाव में जाने का फैसला किया और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद लिंगायत वोटरों का उन्हें समर्थन है। येदियुरप्पा ने बूथ लेवल कैडर का मजबूत आधार बना लिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे हलियाल सीट से 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत 1983 में जनता पार्टी से की थी। उसके बाद 1989 में जनता दल सेकुलर में चले गए। 1999 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली।
उन्हें विजनरी नेता माना जाता है, उनके विचारों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर प्रभाव दिखता है। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, अपनी जाति के वोटरों में गहरी पैठ है। इस लिस्ट में तीन नाम जरकीहोली बंधुओं के हैं, सतीश जरकीहोली जो यामा कनमार्दी से विधायक हैं, रमेश जरकीहोली जो गोकक सीट से विधायक हैं, और बालचंद्र जरकीहोली जो भारतीय जनता पार्टी में अराभवी सीट से विधायक हैं। कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव दर चुनाव हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के लिए दक्षिण के एक राज्य में अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी कर्नाटक के जरिए दक्षिण में सेंधमारी करना चाहती है। इस जंग में कर्नाटक की 11 वारचार्ज एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए।